कि उनके किसी जानने वाले का पुनर्जन्म हुआ है या फिर उनका खुद पुनर्जन्म हुआ है एंड कहीं सारे स्टेटमेंट भी री इनकॉशन पर सुने गए हैं पीपल क्लेमिंग दिस थिंग दैट दे रिमेंबर एवरी थिंग फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ एंड उन्हें वो हर एक चीज याद है जो उनके पिछले जन्म में हुई थी और जो भी हुआ था वो उसके बारे में बातें करते हैं विच अगेन पुनर्जन्म साइंटिफिकली अभी प्रूवन नहीं है एंड इन माई ओपिनियन आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर जस्ट स्ट्रेट अप लाइंग या फिर इफ दे एक्चुअली बिलीव दिस थिंग आई फील लाइक दैट दे हैव मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर पूरी दुनिया में बस एक पुनर्जन्म का केस ऐसा है जहां हर एक डिटेल और हर एक क्लू एक री लेडी का उनकी पास लाइफ से मैच हुआ है सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड शांति देवी शांति देवी की कहानी शुरू करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेडी की बात करनी पड़ेगी जिनका नाम था लुगड़ी देवी लुगड़ी देवी वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 18th, नाइनटीन ओ टू इन मथुरा उन्नीस सौ दो के कुछ साल बाद से इंडियन इंडिपेंडेंस की लहर या मूवमेंट शुरू होने वाली थी एंड एज दिस इज़ प्री इंडिपेंडेंस तो लुगड़ी देवी जी की फैमिली एक लिटल बिट अब पुअर फैमिली थी उनकी फैमिली के पास कुछ आलिशान चीज़ें नहीं थी पर उन्हें एटलीस्ट एक दिन में दो वक्त का खाना मिल जाता था दे व पुअर बट नॉट टू द पॉइंट कि उन्हें खाना खाने को नहीं मिल रहा है अब जो लुगड़ी देवी के डैड थे वो भी गरीब ही थे तो जैसे जैसे उनकी लाइफ बढ़ रही थी उनकी फैमिली बढ़ रही थी वो ज्यादा फैमिली मेंबर्स का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे तो इसीलिए उन्होंने जल्दी लुगड़ी देवी की की शादी कराने सोची सी इसी में दस साल और बारह साल की लड़कियों की शादी होना बहुत ज्यादा आम बात थी चाइल्ड मैरिज वॉज नॉर्मल एट दैट टाइम तो जब लुगड़ी देवी आई एम श्योर एम नॉट दैट राइट सो जस्ट गोना से देवी सो so जब देवी बारह साल की हुई तो उनके डैड को कुछ पैसे की प्रॉब्लम होने लगी और उन्होंने देवी की शादी केदारनाथ चौबे से करा दी जो कि उस समय बहुत बड़े बिजनेसमैन थे एंड उनकी कपड़ों की फैक्ट्री थी एंड एस केदारनाथ चौबे वॉज अ ब्राह्मण 1914 की बात है तो उस टाइम पे ब्राह्मीण कास्ट काफी ज्यादा मानी जाती थी तब क्या अभी भी मान जाती है पर उस टाइम पे कुछ अलग ही बात थी तो लुगड़ी देवी के डैड ने यह सोचकर कि केदारनाथ की फैमिली काफी वेल ऑफ है एंड उनका अच्छा बिजनेस भी है एंड वो ब्राह्मण कास्ट के भी हैं उन्होंने ये सोचकर लुगड़ी के फ्यूचर को देख कर उनकी शादी केदारनाथ से बहुत छोटी उम्र में करा दी अब इस शादी के पीछे भी दो बातें हैं कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देवी की शादी में जो डावरी थी तो उनकी डावरी के चलते हुए देवी के फादर को केदारनाथ की फैमिली को इतने पैसे देने पड़े कि उन्हें चार परिवारों से कर्जा मांगना पड़ा इवन दो केदारनाथ वॉज ऑलरेडी रिच पर कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहते हैं कि देवी के डैड ने केदारनाथ की फैमिली से पहले कर्जा लिया हुआ था और क्योंकि केदारनाथ को देवी पसंद थी तो ये कर्ज मिटाने के चक्कर में उन्होंने देवी की शादी केदारनाथ हैव कॉन्क्रीट एविडेंस और लाइक कॉन्क्रीट रिपोर्ट ऑफ दिस थिंग सौ साल पुरानी बात है ना पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि शादी के बाद देवी खुश नहीं थी इनफैक्ट देवी और केदारनाथ साथ में काफी हंसी खुशी रहते थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे शादी के बाद केदारनाथ चौबे ने एक अलग सा घर अपनी फैमिली के घर से थोड़ा दूर बना लिया जहां वो लुगड़ी देवी और केदारनाथ चौबे का कज़न कांजीमल चौबे साथ रहते थे अब शादी हुई और शादी के कुछ टाइम बाद देवी जी प्रेगनेंट हो गई यहाँ तक सब कुछ ठीक था कि पति पत्नी खुश रहते हैं उनके साथ उनका भाई भी रहता है और उनका एक बच्चा भी होने वाला है पर प्रेगनेंसी के बाद लुगड़ी देवी की बॉडी काफी ज्यादा चेंज होने लगी और जो ये बॉडी चेंज था ये बच्चे की वजह से नहीं हो रहा था एक्चुअली इतनी कम उम्र में प्रेगनेंट होने की वजह से लुगड़ी देवी बच्चे का प्रेशर नहीं झेल पा रही थी और केदारनाथ ने भी पूरी कोशिश करी देवी जी को खुश रखने की उन्हें प्रॉपर खाना खिलाने की उन्हें प्रॉपर मील देने की टाइम पर उन्हें बचाने की एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस देवी ने 25 सितंबर 1925 में अपने बेटे नवनीत लाल चौबे को जन्म दिया पर बॉडी फटीग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और कमजोरी के कारण केदारनाथ की लाख कोशिशों के बाद 22 साल की उम्र में लुगड़ी देवी 4 अक्टूबर 1925 को मर गई रियली सैड क्योंकि मरने से पहले लुगड़ी देवी ने अपने बच्चे को एक ही बार देखा था उनके बेटे के पैदा होने के बाद से ही उनकी तबीयत काफ़ी खराब होती थी तो वो हॉस्पिटल में रहती थी इसीलिए पर ये तो थी लुगड़ी देवी जी की कहानी अब हम बात करते हैं इस स्टोरी की मेन लेडी की शांति देवी और जानते हैं राज उनके पिछले जन्म का आई हैड टू ठीक है आई है जन्म अगर मैं एक बार भी ये चीज़ वीडियो में नहीं बोलता तो उसका घोस्ट मेरे को रात में बहुत सा था सच में द स्टोरी डस हैव अ हैप्पी एंडिंग सो आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी मथुरा से 180 किलोमीटर दूर शांति देवी माथुर का जन्म हुआ ऑन दिसंबर 11th 1926 इन दिल्ली तो लुगड़ी देवी के मरने के 14 महीने बाद शांति देवी जी का जन्म हुआ उनके डैड रंग बहादुर माथुर और उनकी मॉम प्रेम प्रिय माथुर थी वो एक नॉर्मल बच्ची ही थी बस वो अपने बचपन में काफी रिजर्व थे नाउ यू माइट बी थिंकिंग दिस थिंग क्योंकि मैंने भी ये चीज सोची थी कि एक बच्चा कैसे रिजर्व हो सकता है बच्चे तो काफी ज्यादा बोलते हैं और बच्चे काफी ज्यादा रोते भी हैं पर शांति देवी जी के, के केस में ऐसा नहीं था वो न ज्यादा बोलती ना ज्यादा रोती और स्कूल जाने पर भी उन्होंने ज्यादा किसी से बात नहीं करी पर उनके चौथे बर्थडे पर ऑन हर फोर्थ बर्थडे शांति देवी शी स्टार्टेड टॉकिंग स्पेसिफिकली आउट ऑफ नोवेयर शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर पास लाइफ सो दिस ईयर ओल्ड गर्ल ऑन हर बर्थ डेड आई एम अब्राहम वाइफ एंड आई एम फ्राम मथुरा ये इनको काफ़ी अचानक आई थी पर इसके साथ साथ उन्होंने अपना असली नाम लुगड़ी देवी और अपने हसबैंड का नाम केदारनाथ चौबे भी बताया एन शी सैड कि मेरे हसबैंड केदारनाथ चौबे मेरा इंतज़ार मथुरा में कर रहे हैं एज ए सेट की उस समय शांति देवी जी का बर्थडे चल रहा था तो लोगों ने जब ये बात सुनी तो उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया जो बच्ची ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी वो अचानक से ऐसी बहकी बहकी बातें करेगी तो लोगों को क्या लगेगा पर उनके के दिन, उनकी ने के लिए चिकन बनाया था एंड तो शांति देवी जी वॉज ऑल्सो ईटिंग चिकन दि देवी ने कहा कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ आप लोग ये मुझे क्या खिला रहे है मैं बस सातवे खाना खा सकती हूँ सो बेसिकली वेजेज और वीगन फूड यूनो ऐसा खाना जिसे पाने में किसी को हाम ना पहुंचे किसी को भी कोई दर्द ना हो तो ये सब सुनकर जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें लगा कि शायद से ये बच्चे हमारे साथ मजाक कर रही है पर फिर जो सीरियसनेस उन्होंने शांति देवी जी की आंखों में देखी उसे देखकर उन्हें ऐसा लगा कि ओके मे बी शी इज़ नॉट लाइंग वो कहने लगी कि ये घर मेरा नहीं है तुम लोग मेरे असली मॉम डैड नहीं हो ये मेरे असली कपड़े नहीं हैं ये मेरी असली चीजें नहीं हैं जब शांति देवी जी की मॉम ने ये सारी चीज़ें सुनी तो ऑब्वियसली उन्होंने उसे डांटा पर शांति अपनी बात पर अड़ी रही वो कहती रही कि मेरा नाम लुगड़ी देवी ही है और मैं मथुरा में रहती हूँ दिल्ली में नहीं शांति देवी जी के डैड एक टीचर थे तो उस समय वो घर पर नहीं थे पर घर वापस आने पर जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने शांति के किसी भी स्टेटमेंट को क्वेश्चन नहीं करा और वो शांति की बताई हुई हर एक बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से डिटेल में सुनने लगे उन्होंने ये नोटिस करा कि जब भी शांति लुगड़ी देवी के बारे में बात करती तो वो मथुरा की बोली उस एक्सेंट में बात करती थी विच वॉज वियर हिम क्योंकि शांति अपने घर से स्कूल स्कूल से प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड से घर इससे ज्यादा कहीं और कभी नहीं घूमी थी उनकी पूरी फैमिली तो कभी दिल्ली से बाहर गई ही नहीं थी पर फिर भी शांति मथुरा में लुगड़ी देवी के घर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर रही थी शांति ने कहा कि हमारा घर मथुरा में एक मंदिर के पास है और उसी मंदिर के सामने मेरे हस्बैंड की एक फॉर्च्यून की दुकान है और उससे कुछ दूर उनकी फैक्ट्री भी है सो बेसिकली केदारनाथ चौपी की फैक्ट्री वो स्ट्रीट के बारे में भी डिटेल में बताने लगी जहाँ से वो घर से दुकान और दुकान से घर जाया करती थी और उन्होंने अपनी और केदारनाथ की मैरिज के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का कपड़ों का बिजनेस है वो काफ़ी लंबे हैं उनकी एक दुकान है और उनके लेफ्ट गाल पर एक मस्सा है एंड केदारनाथ चौबे को और डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी आंखें कमज़ोर हैं तो वो एक गोल चश्मा भी पहनते हैं एंड में शांति देवी ने लुगड़ी देवी की डेथ के बारे में भी अपने डैड को बताया उन्होंने फर्स्ट पर्सन में ही कहा कि मेरे बेटे को जन्म देने के बाद मेरी डेथ हो गई थी विथ स्पेसिफिक तो इतना सब कुछ सुनने के बाद शांति देवी के डैड ने मथुरा में खोजना शुरू करा उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिनकी बीवी फोर्थ अक्टूबर 1925 में लेबर के बाद मरी हो ही वॉजन लुकिंग फॉर अ नेम बट उन्हें सरप्राइजिंगली केदारनाथ का नाम ही मिला ऑब्वियसली केदारनाथ जी के साथ ये सारी चीजें ही हुई थी। अब फाइनली शांति देवी के पेरेंट्स कन्विंस थे कि एटलीस्ट ये झूठ तो नहीं बोल रही है उसे ये सारी चीजें कैसे पता चली क्या ये सच में री इनकानेशन है ये सब उन्हें अभी नहीं पता था बट शांति देवी के डैड ही वॉन्टेड तो उनके डैड ने बताए हुए केदारनाथ जी के एड्रेस पर एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने पूरी सिचुएशन समझाई और मथुरा ये लेटर भेजने के बाद ये लेटर मिला केदारनाथ के भाई कांजी मल को एंड उसके बाद केदारनाथ की के फैमिली ने और शांति देवी की फैमिली ने एक मीटिंग बैठाई सी बैक इन मथुरा इवन केदारनाथ कुड नॉट बिलीव दिस थिंग हाँ सारी की सारी डिटेल एकदम स्पेसिफिक और एकदम करेक्ट थी पर उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था तो इस चीज को प्रूव करने के लिए केदारनाथ ने एक प्लान बनाया सी केदारनाथ और कांजी मल ने तो अपनी पीस बना ली थी देवी जी की डेथ पर तो केदारनाथ को ये सारी करेक्ट इन्फो पढ़ने के बाद भी थोड़ा शक था सो ही सजेस्टेड कि मैं मेरा भाई और मेरा बेटा हम तीनों दिल्ली आएंगे एंड आपकी पूरी फैमिली से मिलेंगे पर जब आप मुझे देखोगे तो आप शांति को यह मत बताना कि केदारनाथ कौन है मैं उसके सामने अपने भाई का नाम लेकर आऊंगा सो ही विल बी कांची मल एंड अगर आपकी बेटी सच बोल रही है एंड उसके अंदर सच में लुगड़ी देवी है तो वो मुझे देखते ही पहचान जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी बेटी हम सभी से झूठ बोल रही है तो वो ही हुआ केदारनाथ उनका भाई और उनका बेटा दिल्ली आए और बस से सबसे पहले उतर केदारनाथ ने अपने आप को कांजी नाम से इंट्रोड्यूस कराया शांति के डैड और उनकी पूरी फैमिली को भी पर शांति ने केदारनाथ को देखते ही पहचान लिया था और कहा कि नहीं ये कांची मल नहीं ये ही मेरे पिछले जन्म में हस्बैंड थे यही मेरे हस्बैंड केदारनाथ चौबे हैं एंड शी ऑल्सो रिकग्नाइज हर सन उनके भाई का स्पेसिफिकली पता नहीं मुझे मे बी साइड कैरेक्टर जैसे रह गए होंगे कांचीलाल जी नाउ केदारनाथ वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड एंड केदारनाथ से बात करते हुए शांति देवी अगेन शी आर स्पीकिंग इन मथुराज एक्सेंट यू गाइज नो हाउ बिजार दैट थिंग इज फॉर अ फोर ईयर ओल्ड चाइल्ड बट एनी वेज ये सभी लोग शांति के घर गए दिल्ली में और शांति से कुछ मिनट अकेले बात करने के लिए केदारनाथ ने उनके डैड से परमिशन मांगी विच हर डैड एग्रीड टू तो शांति से अकेले बात करते हुए केदारनाथ ने शांति से बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजें पूछना शुरू करा जो कि बस उन्हें और उनकी बीवी को ही पता थी बट शांति वो उन सभी बातों का बहुत ही ज्यादा प्रॉपर रिस्पॉन्स देते रही एज इफ शी लिव दर लाइफ शांति ने केदारनाथ को डांटा भी ये कहकर कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है केदारनाथ ने लुगड़ी देवी से मरने के टाइम पर यह प्रॉमिस करा था कि वो बस एक और बार शादी करेंगे बट इट आउट दैट ही मैरिड ट्वाइस So, टोटल उनकी लाइफ में तीन बीविया थी जिसके बारे में भी बियरली ना शांति देवी जी को पता था फिर उन्होंने केदारनाथ को ये भी कहा कि हमारे घर के अंदर वाले कमरे में मैंने स्लेट के नीचे पैसे छुपा कर रखे हैं। अगर आप संदूक को खिसकाएंगे तो आपको वो दिख जाएंगे केदारनाथ की हर एक मेमोरी हर एक इनसाइड टॉक्स जोक्स के बारे में शांति देवी जी को पता था ये सभी बातें ये सभी चीज़ें उनके सामने ही हो रही थी पर विश्वास कर पाना इन चीज़ों पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था शांति से बात करने के बाद केदारनाथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उन्होंने सब कुछ शांति के डैड को बताया कि इसे तो सब कुछ पता है पर अब उनके वापस जाने का समय आ चुका था जब केदारनाथ वापस मथुरा के निकल रहे थे तो शांति ने बहुत ही ज़्यादा जबरदस्ती करी कि नहीं आप भी मुझे घर वापस ले जाइए काफ़ी टाइम हो गया है घर देखे हुए एंड आई वोट गो विद यू तो अब केदारनाथ के साथ शांति देवी एंड उनके डैड भी मथुरा गए माय गॉड ओके वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर ये सारी चीज़ें सो so, केदारनाथ का शांति से मिलना शांति का उनसे बात करना ये सब कुछ हो रहा था नाइनटीन में और अब इस समय महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आ गए थे मूवमेंट शुरू हो तो ही वस हेयर ओनली और ये पुराने जन्म का केस महात्मा गांधी जी के सामने लाया गया तो इस पूरी स्टोरी में ये तो एक फैक्शुअल स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी ने इस दिल्ली की लड़की के लिए इन्वेस्टिगेशन सेटअप कराई कि क्या ये बच्ची सच में सच बोल रही है सच अबिजार स्टोरी में सीरियसली मैंने ऐसी कहानी अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ी इट्स लाइक वन ऑफ एपिसोड जब सोप पापरा में ना कोई दूसरे सोप <laughs> जब लाइक दूसरे सोप पापरा का बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर आ जाता है इट्स लाइक दैट महात्मा गांधी आई हैव नो आइडिया बट इट्स ट्रू बट कमिंग बैक टू द स्टोरी फॉर नाउ स्टेशन में उतरने के बाद जब वो रिक्शा में बैठे तो केदारनाथ के घर का पूरा रास्ता शांति देवी ने उन्हें खुद बताया और यहाँ तक कि किस स्ट्रीट में कौन सी चीजें कहाँ है कौन सी दुकान कहाँ है ये तक भी शांति देवी ने सबको बताया उनका घर कहाँ है और घर का पूरा लेआउट कैसा है ये भी शांति देवी को याद था घर में एंटर करने से पहले उन्होंने कुछ लिविंग रूम या हॉल को डिस्क्राइब करा था और जब शांति देवी के डैड ने घर के अंदर कदम रखा तो वो रूम वैसा का वैसा ही था शांति देवी केदारनाथ जी के डैड से भी मिली और उन्होंने उनके पैर छुए एंड शी सेट टू हर फादर कि पिछले जन्म में ये मेरे फादर इन लॉ थे मथुरा जाने के बाद शांति देवी जी को ये समझ आ गया था कि उनका एक नया जन्म हुआ है पर क्योंकि वो समय छोटी ही थी तो ये चीज डिफ्रेंशिएट कर पाना कि ये मेरी नई जिंदगी है और जिन लोगों से मैं अब मिल रही हूँ ये मेरी पुरानी जिंदगी के लोग हैं इन्हें मैं अपने पिछले जन्म में जानती थी ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर पाना शांति देवी जी के लिए मुश्किल हो रहा था केदारनाथ की फैमिली से मिलने के बाद आस घूमने के बाद शांति देवी जी को वहीं रहना था मतलब बेसिकली उन्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना था बट दिस वॉज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम वो अराउंड छः सात साल की थी उस टाइम पर और केदारनाथ तो इतने बड़े थे हेल लुगड़ी देवी का जो बेटा था लुगड़ी देवी जी का जो बेटा था वो खुद शांति देवी से दो साल बड़ा था सो बहुत ही ज्यादा वियर सिचुएशन हो गई थी वहां पे। पर शांति देवी जब मथुरा से वापस दिल्ली अपने घर आई तो उनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई लोकल न्यूज और इंडियन लोगों ने तो इस इंसिडेंट को न्यूज़पेपर में इंटरव्यू के थ्रू रिकॉर्ड करा ही है कुछ लोगों ने मसाला लगाकर भी बेचा इस न्यूज को पर सरप्राइजिंगली फॉरन से भी कहीं लोग शांति देवी की स्टोरी में इंटरेस्टेड थे इतनी सारी डिटेल एंड इतनी स्पेसिफिक डिटेल किसी को भी याद नहीं रह सकती है एंड दैट टू आफ्टर बीइंग बोर्न अगेन तो कुछ तो था शांति देवी जी में और उनकी स्टोरी में जो कि साइंटिफिकली प्रॉपरली प्रूव नहीं हो पा रहा था और अगर हम प्रूफ की बात भी छोड़ दें तब ये पूरी सिचुएशन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी किसी से भी पर जब शांति देवी जी बड़ी हुई तो उनकी लाइफ और उनकी स्टोरीज पर पर एक बुक भी लिखी गई थी। ट्रू स्टोरी ऑफ रेन कॉनेशन ऑफ शांति देवी और इस बुक में लुगड़ी देवी जी के मरने और शांति देवी जी के पैदा होने के बीच में जो टाइम था सो जो ये बीच का टाइम था चौदह महीने का उसके बारे में आफ्टर लाइफ को एक्सप्लेन करा गया है इज काइंड ऑफ फिक्शनल साउंडिंग एम नॉट लाइ बट इट डिस्क्राइब्स आफ्टर लाइफ एज अ पिट डेथ को इस बुक में एक पिट की तरह डिस्क्राइब करा गया है एक ब्लैक पिट में आत्मा जाती है उसके बाद बिना समय का पता चले तुम इस पिट में ही रहते हो और फिर एकदम से शांति देवी जी को व्हाइट लाइट दिखती है जहां लोग उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं इस टाइम पीरियड में उन्हें कुछ महसूस नहीं होता है जैसे दर्द भूख पीड़ा खुशी कुछ भी नहीं वो बस इस वॉइड में तहर रही है पर ये बुक शांति देवी जी ने नहीं ये बुक लिखी थी स्टूवर लोनर स्टैंड ने जो कि स्वीडन से थी एंड आई एम नॉट गोना बिलीव इन दैट थिंग अनलेस जिस आदमी ने वो एक्सप्लेन करा है वो खुद ये चीज बोले शांति देवी जी की स्टोरी और उनके एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा एक्सट्रीम होने के बावजूद उन्होंने काफी ज्यादा सिंपल लाइफ जी एंड शी डाइड एनशी डायर एट द एज ऑफ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी But she never got married, as she was already married in her past life with Kedarnath चौबे और क्योंकि अब वो शांति जी की बॉडी में थी सिर्फ 22 साल जवान उनके लिए इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने बिलीव्स को भूल जाएंगी and her beliefs were that you only marry once which is not true in the case of Kedarnath I guess, but yeah. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ काफी पीसफुली दोनों परिवार के कांटेक्ट में रहते हुए जी and जितना मैंने शांति देवी जी के बारे में पढ़ा है she was never trying to earn anything from this thing, which considering the fact that how extreme the story is, शी पर समाप्त होती है See, और जब मैं इस में पढ़ रहा था तो मुझे न्यू नए मुझे बस दो ही आर्टिकल मिले जो कि दोनों ने लिखे. So, कुछ स्टेटमेंट उन आर्टिकल्स में काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, है okay. शांति देवी जी की कहानी मॉनिटर और रिकॉर्ड दोनों हुई गई थी इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि कैसे उन्हें यह सारी चीज़ें याद थी सी एम नॉट अपोजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ री इंकारनेशन डोंट गेट मी रॉन्ग बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत ओपन माइंडेड तो मैं हूँ ही एंड दिस स्टोरी इट जेन्यनली पिक्स माई इंटरेस्ट ऑल एम सेंग इसकी इट वुड बी नाइस कि अगर मेरे को कोई रीजनिंग या फिर कोई पॉसिबिलिटी मिल जाती कि ये सब कुछ कैसे एक्चुअली पॉसिबल है और यू गैस कैन लीव योर रीजनिंग कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है दैट वुल बी रियली हेल्पफुल ठीक है इट विल ओपन माय माइंड टू अ डिफरेंट डायरेक्शन सो या आई विल रीड द थिंग बट या ए आम लुकिंग फॉर टू रीडिंग योर कॉमेंट्स दिस टाइम विल गाई सब्सक्राइब टू मिफो आई हेट अ मिलियन एंड आई होप दट यू आर हैप्पी प्लीज़ कीप य लॉडडाउन वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी वेरी वेरी बाय बाय